औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था टीचर तक, मतलब देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये वाला चैप्टर है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, नाइन्थ क्लास के ये चैप्टर है, आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट टू, लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेट मी से दैट, मुझे ये कहने दें, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमारी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये हमें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ हमें इतला नहीं देता, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, ये बल्कि हमें इंटरटेन भी करता है, हमें ये मज़ा भी देता है। तो टीचर, टीचर ने क्या कहा? Absolutely right, आपने बिल्कुल ठीक कहा। Well, जब, do you have any idea, वो कहती है कि अच्छा तुम्हें कोई idea है, तुम्हें कोई इसका कोई ख्याल है, about the two major means of communication, क्या तुम्हें दो major means of communication, मतलब ज़राए इब्लाग के जो मतलब दो major ज़राए हैं उनके बारे में कोई information है, उसके बारे में कोई idea है, कोई ख्याल है। स्टूडेंट थ्री, देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर दो ज़राए ब्लॉग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। जो मीडिया फिल्म पर, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, मतलब इनमें पिक्चर्स शो होती हैं, ये बुक्स वगैरह, ये जो है ये सब क्या है, ये मीडिया की इकसाम है। प्रिंट मीडिया और दूसरा, दोनों के उन्होंने मिक्स करके लिखे हैं, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात मुहैया करता है, एज़ वेल एज़ इंटरटेनमेंट, और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी हमें मतलब मज़ा भी मुहैया करता है। टीचर, तो टीचर क्या कहती हैं? गुड, इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया की वजह से है, दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, के दुनिया एक आलमगीर गांव बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, यहाँ पर जो कवरेज है मतलब उसको किया जाता है, कवर किया जाता है उसको, सारा मीडिया की इम्पोर्टेंस है। ऑफ आल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये जो आम मतलब सब जो ख़ास मौके होते हैं, ऑफ़ द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न, जो दुनिया के कोई भी ख़ास मौके होते हैं उनको टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस, हमें बहुत आसान रसाई है, ऑल टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तमाम किस्म की मालूमात की, थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए। तो स्टूडेंट फोर क्या कहता है? कैन वी से दैट, क्या आप कह सकते हैं, द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया जो है सिर्फ एक क्लिक मतलब बटन दबाने के फासले पर है। तो टीचर क्या कहती हैं? मे बी वेल, वो कहती हैं कि हो सकता है। अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई और तालिब इल्म इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, मिस आयशा पीछे बैठे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। स्टूडेंट फाइव, मैडम इन माई ओपिनियन, वो कहते हैं कि मिस मेरे ख्याल में मीडिया प्लेज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, मीडिया बहुत तामीरी किरदार अदा करता है मुआशरे में। इट रेजिज अवेयरनेस, ये आगाही बढ़ाता है या पैदा करता है, अबाउट मैनी सोशल इशूज़, बहुत से समाजी मसाइल के लिए, लाइक करप्शन, करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक के वायलेट करना, उनको ख़राब करना। ठीक है टीचर, येस यू आर राइट, टीचर ने कहा जी हाँ आपने ठीक कहा। स्टूडेंट सिक्स, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, एक मतलब मीडिया जो है हमारी पसमानदगी का वो बन चुका है,
माउथपीस मतलब नुमाइंदा बन चुका है। टीचर, यस वेल सेड, टीचर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि आपने ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि मीडिया जो है मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत एक्टिव मतलब काम करने वाला इदारा बन चुका है, कि जो हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के हर हिस्से पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, बहसों मुबाहसों से, रिपोर्टों से और बातचीत वाले जो शोज़ होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं, उनमें इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। इसने हर किसी को जवाबदेह और अकाउंटेबल मतलब उसको मैनेज करने वाला, अकाउंट करने वाला, हिसाब किताब करने वाला बना दिया है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन मीडिया हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बन चुका है। नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी को बुलाऊंगी टू सम अप मतलब इसको समेटने के लिए द डिस्कशन, बातचीत को। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है ये। स्टूडेंट वन, जिसने बात शुरू की थी वही अब इसको सम अप करेगा, इसको क्लोज करेगा। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया है डिस्कशन से, बातचीत से, इस बहस से, बाय सेइंग दैट, ये कहकर, मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, मीडिया एक मस्बत किरदार अदा कर रहा है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, बहुत ही इसलाही इसका असर है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये दयानतदारी से काम करे। ठीक है, तो टीचर कहती है, गुड कंक्लूजन टीचर। टीचर ने कहा, बहुत अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया, एंड हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, और अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया मतलब जाहिर किया। द बेल रिंग्स, तो घंटी बजती है। मिस आयशा सेज़ गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, और मिस आयशा क्लास को गुड बाय करती हैं, खुदा हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं, क्लास छोड़ देती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट।